पढ़ खाओगी अब तुम मुझसे रुई। पापा के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आके तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ गलत नहीं कर रही मैं। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, तुम भगवान हो, तुम स्टार होगी अपने घर पे, लेकिन इशिमा और पापा के साथ तुम तमीज से पेश आओगी आज के बाद। हेलो, अगर मेरे में तमीज नहीं होती ना तो वो लोग अंदर भी नहीं आ पाते। और जो तुम यहाँ आके मुझे लेक्चर दे रहे हो ना, ये सब जाके अपने मम्मी पापा और अपनी फैमिली को सुनाना। क्यों, क्या हो गया? बहुत है वो लोग 7 सालों तक चुप मेरे साथ बर्थडे निकल गए, किसी को तो मेरी याद नहीं है। बहुत ढूंढना ना उन्होंने मुझे, बहुत खोजा मुझे, बहुत भाग दौड़ की होगी ना उन्होंने मुझे। सुनो, तुम जो यहाँ आके मुझे बोलो ना, पहले जाके उनसे बात करो, फिर आके चिल्लाना मुझ पे। रूही, जस्ट गेट ओवर इट। पिछले 7 सालों में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर भारी नहीं था, पापा और ऋषिमा अलग हो गए, पूरा परिवार बिखर के रह गया, बहुत कुछ हुआ है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे और ऋषिमा के जाने के बाद पापा ने अपने आप को कैसे संभाला है? तुम सोच भी नहीं सकती रूही। पापा जो हमेशा इतना गुस्सा करते, जिनकी नाक हमेशा इतनी ऊंची रहती है, वो एक अशोक जैसा जोकर आज उनकी इंसल्ट करके चला गया। और वो पता है चुपचाप सुनते रहे, पता है किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए रूही, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वेरी गुड, उनके साथ यही होना चाहिए। मुझे पता है बहुत अच्छा लगता है जब उन्हें ऐसी सफरिंग्स मिलती है, यही होना चाहिए उनके साथ। खुद से कब तक झूठ बोलती रहोगी रूही? मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम झूठ ही बोल रही हो, मुझे पता है तुमसे उनका दर्द नहीं देखा जाता। मैंने कहा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी सफरिंग देख के, यही चाहती थी मैं, और मैं यही चाहती हूँ। यही चाहती हूँ तुम, यही अच्छा लगता है तुम्हें, इसी में खुशी मिलती है, तो फिर करो ना उनकी इंसल्ट। आज तुम्हारा बर्थडे है ना रूही, तो ले लो अपना बर्थडे गिफ्ट, करो पापा और ऋषिमा की इंसल्ट। सब लोग आए हुए हैं ना, इससे अच्छा गिफ्ट तुम्हारे लिए और क्या होगा? तुम मुझे चैलेंज मत करो। चैलेंज तो हो गया, अब मैं देखता हूँ तुमने कितनी हिम्मत है, देखता हूँ तुम पापा की सबके सामने इंसल्ट कर पाती हो या नहीं। देखो फिर। अच्छा मैं यहाँ पे टाइम पे आ गई, अभी ड्रामा देखने में मजा आने वाला है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है नहीं रोही कर पाएगी। करेगी, मुझे पता है। इशिता की पढ़ाई हुई पट्टी है तुम्हारे जहर से काफी ज्यादा तेज। तुम प्लीज अपनी बकवास बंद करो, देखो क्या होता है। और तुमने मुझे बताया था ना उसने रमन के गिफ्ट के साथ क्या किया, सो लेट्स वॉच दिस एंटरटेनमेंट। आई डोंट माइंड, जो मर्जी हो, मुझे तो मजा नहीं आ रहा। चलो माता रानी, रूही को संभाल लेना, कोई गड़बड़ ना करे, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। मुझे आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे साथ मिस्टर रमन भल्ला और डॉक्टर इशिता अय्यर। आप दोनों अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं ना? फैमिली हम सबकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम जो भी अपनी लाइफ में बनते हैं, जो कुछ भी पाते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली का हाथ होता है। उनका प्यार, उनका सैक्रिफाइस, उनका सपोर्ट। आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं सब क्यों बोल रही हूँ, व्हाट्स द बिग डील? यहाँ तो सब सेलिब्रेट करने आए हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, चाहने वाले। लेकिन क्या है ना, मिस्टर रमन भल्ला और डॉक्टर इशिता अय्यर अलग है, सबसे अलग। वो बहुत ही स्पेशल हैं। आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि ये लोग क्या हैं, कैसे हैं। और आज मैं दिखाऊंगी यहां सबके सामने। हेलो
मैं ये कह रही थी कि रमन भल्ला और इशिता अय्यर बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं और ये हम सबके लिए परफॉर्म करेंगे। Let's have a round of applause for Raman and Ishita. Yay, Papa! मुझे तो लगा था कि मुझे भी यही लगा था। तो शायद प्यार ने रोक लिया या तो हमारे या पीहू के। वैसे भल्ला फैमिली में कुछ और टेंशन क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? देख लीजिए आप। फोटो फ्रेम कमरे में अच्छे से रख दी ना। यस मैम, आपके बेड पर रखा है। ओके थैंक यू। क्या कर रही हूं मैं? क्या क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है? जितना गुस्सा कर लो, जितनी इंसल्ट कर लो इन लोगों की, ये लोग मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, बस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कब तक अपना गुस्सा रखूंगी इनके प्यार के आगे? कब तक कंट्रोल करूंगी? नहीं, मुझे अपना गुस्सा रखना होगा। मैं इन लोगों से नफरत करती हूँ और मैंने कभी माफ नहीं कर सकती। I just hate them. रोहित, आज की ना तुमने मेरी बहन वाली हरकत है। ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ तो है, कोई कनेक्शन तो है, तभी तो तुमने अपनी फैमिली को अंदर बुलाया। नहीं, मैंने सिर्फ पीहू के लिए कुछ नहीं बोला, उसे मैं दुखी नहीं देख सकती। सच छुपाने से बदल नहीं जाता रवि, और सच ये है कि तुम पापा और इशिमा के इंसल्ट कर ही नहीं सकती। जिस इशिमा ने मुझ जैसे बिगड़े बदतमीज लड़के को अपने प्यार से बदल दिया, उसी इशिमा की बेटी हो तुम। तुम चाहे जितना मर्जी बदलने की कोशिश कर लो, लेकिन नहीं रवि, उनके गुण तुम्हारे अंदर से जा ही नहीं सकते। रवि एक बार इधर देखो, तुम भी एक बार बदलने का ट्राई करो जैसे मैंने किया था। मैं भी बच्चा था, बैग गया था, मेरे अंदर भी बहुत जहर घोला गया था, लेकिन इशिमा के प्यार ने मुझे पूरा बदल के रख दिया। जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये गुस्सा मेरा अपना है, ये जहर मेरा अपना है, इशिमा और पापा का नहीं। आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने उन्हें नहीं छोड़ा था, उन्होंने मुझे उस नदी के पास फेंक दिया जिसने मुझे दिन रात मारा, पीटा, इतना सताया। और आप तो इन 7 सालों में अपनी फैमिली के साथ थे ना, शकुन मम्मा ने आपको बहुत प्यार से पाला होगा, और मैं पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, खाती नहीं थी, मैं भूखी रहती थी, इतनी अकेली हो गई थी मैं। रात रात को मुझे हंटर के सपने आते थे, और फिर अगले दिन मुझे रूहान बनके लाखों लोगों के सामने हंस के स्माइल करके गाना गाना होता था, रॉकस्टार बनना होता था, और ये सब
ये सब पता है क्यों हुआ मेरे साथ? उस निश्चितता पे भरोसा करने की वजह से। कोई परिवार नहीं है मेरा, कोई श्रीमान नहीं है मेरी, और आप भी मुझसे आज के बाद दूर रहना। I'm really sorry. हम लोगों की वजह से तुझे जो कुछ भी सहना पड़े, I'm really sorry. और ये सब कुछ ऐशम और पापा की वजह से नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदार बस वो निधि है, सिर्फ वो निधि। उसे मैं सबक सिखा के रहूंगा, ये तेरे भाई का वादा। लेकिन उससे पहले कैसे भी करके मुझे रूही को वापस घर पे लाना होगा, कैसे भी करके लाना होगा।